नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता है जैसा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो विवादित जमीन थी वो रामलला को मिली है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। तो इससे पहले आप हम लोग बात कर लें कि इस फैसले को बताने से पहले कि आखिर ये मुद्दा क्या है, अयोध्या मामले का मुद्दा क्या है, कब से शुरू हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसकी एक नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले आपको बता दें कि मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है आप सभी से कि कोई किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, मिलजुल के रहना। एक कविता है, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपत राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईद गाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रश खान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदुओं मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में इंसान नज़र आता है। चलिए तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। आपको बता दें कि 1528 में बनी थी बाबरी मस्जिद। 1528 में भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस मस्जिद का नाम था मीर वाकी, मीर ने बाबरी मस्जिद रखा था। ठीक, फिर है राम जी की मूर्ति का मामला। 23 दिसंबर 1949 को लगभग 50 हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के मुख्य स्थान पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। वो वहाँ रोज़ पूजा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विसारद नाम के शख्स ने फैजाबाद कोर्ट में एक अपील दायर करके बाबरी मस्जिद में रखी गई राम लला की मूर्ति की पूजा की विशेष इजाज़त मांगी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि इस जगह से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक लगा दी जाए। तो याद रखिए, गोपाल सिंह विसारद नाम के शख्स ने ये अपील दायर की थी। फिर बात करते हैं 5 दिसंबर 1950 को बाबरी मस्जिद में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और राम मूर्ति रखने के लिए महंत परम हंस रामचंद दास ने मुकदमा दायर किया। इसके साथ ही मस्जिद को ढांचा नाम दिया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। तो याद रखिए, 5 दिसंबर 1950 को परमहंस रामचंद्र दास जी ने किया मुकदमा दायर। फिर 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। फिर 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया, एक समिति का गठन किया। फिर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। ताले दोबारा खोले गए
नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। तो याद रखिए 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को इजाज़त मिली यहाँ पूजा करने की। फिर है जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने VHP को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया जीवन दिया। फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करें तो 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या पहुंचकर हजारों की संख्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस वक्त अयोध्या में बस कुछ नारे गूंज रहे थे, मसलन एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में दंगे हुए और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। फिर आया तो याद रखिए 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। फिर आया हमारा 16 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए MS लिबहान आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिए इसे कि MS लिबहान आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। 1994 में 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस की सुनवाई शुरू हुई। और फिर 4 मई 2001 को स्पेशल जज ए के शुक्ला द्वारा भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 13 नेता आरोप मुक्त किए गए। फिर आया हमारा 1 अप्रैल 2000 को दो को तो अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मंदिर या मस्जिद के प्रमाण के लिए 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अयोध्या में खुदाई का निर्देश दिया। फिर 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष प्रमाण मिले। हालांकि इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चुनौती दी। सितंबर 2013 में अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले 7 हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जुलाई 2009 में लिब्रान आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद 26 जुलाई 2010 को इस मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा और सभी पक्षों को आपस में इसका हल निकालने की सलाह दी। 28 सितंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का रास्ता साफ किया। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर को, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को। तो याद रखिए 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसमें 3 हिस्से किए गए थे इसके, एक राम मंदिर को, दूसरा सुन्नी बोर्ड को वक्फ बोर्ड को, तीसरा निर्मोही अखाड़े को। फिर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर आया 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को कहा।
फिर 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित भाजपा और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 16 नवंबर 2017 को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविन्द्र रविशंकर ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और कई पक्षों से मुलाकात की। 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 8 फरवरी तक सभी दस्तावेज को पूरा करने के लिए कहा। फिर हमारा है राम मंदिर के समर्थन में रैलियों की बात करें तो 8 फरवरी 2018 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, हालांकि उनकी याचिका खारिज हो गई। फिर 14 मार्च 2016 को वकील राजीव धवन ने कोर्ट से साल 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की। फिर हमारा 20 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। फिर है हमारा 27 सितंबर, क्या है, 27 सितंबर 2018 को कोर्ट ने इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के 1994 के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया। कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में दीवानी वाद का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होगा और पूर्व का फैसला सिर्फ भूमि अधिग्रहण के केस में ही लागू होगा। 1 दिसंबर 2018 को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और कुछ दूसरी दक्षिणपंथी विचारधाराओं के संगठन ने एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने नारा दिया, विकास नहीं मंदिर चाहिए। फिर मध्यस्थता की कमेटी बनी 1 जनवरी 2019 को। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थान के आसपास 67.390 एकड़, कितना, 67.390 एकड़ गैर विवादित अधिग्रहित जमीन मूल मालिकों को लौटाने की अपील की। फिर हमारा 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले की मध्यस्थता के लिए भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों वाली पीठ ने 3 सदस्यों को मध्यस्थता समिति का सदस्य बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला इस समिति के प्रमुख थे। तो कौन थे इस किस्म के, याद रखिए, फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला इस समिति के प्रमुख थे। उनके अलावा पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू भी शामिल थे इसमें। तो याद रखिए, इस समिति जो मध्यस्थता के लिए बनी हुई थी 8 मार्च 2019 को, इसमें शामिल हुए हैं, 2019 में जो समिति बनी उसमें शामिल थे, मैन थे जो वो जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला थे। उसके अलावा 2 लोग और थे जिसमें श्री रविशंकर जी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू भी शामिल थे। हिंदू महासभा के वकील वरुण कुमार सिंघा ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मध्यस्थता से हमारे पुराने अनुभव बुरे ही रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। फिर 15 जून हमारा 2019 को उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। इसके लिए 3 विकल्पों पर मंथन चल रहा है। पहला, कोर्ट की मध्यस्थता कमेटी के जरिए आपसी सहमति बनाकर। दूसरा है कोर्ट के फैसले के आधार पर।
और अगर ये दोनों विकल्प सार्थक नहीं निकलते हैं तो संसद में कानून बनाकर। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में कोई संशय नहीं, यह अवश्य बनेगा। फिर बात करते हैं रंजन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, तो 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस मसले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अदालत ने मध्यस्थता का जो रास्ता निकाला है वह काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मध्यस्थता पैनल की से रिपोर्ट मांगी और 18 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति को कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामों के बारे में 31 जुलाई या 1 अगस्त तक अदालत को सूचित करें ताकि वह मामले में आगे बढ़े। फिर है 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019 को अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता कमेटी ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तो 2 अगस्त 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकल सका। कुछ पक्षकारों ने मध्यस्थता पर सहमति नहीं जताई। 6 अगस्त से अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 5 जजों के संविधान पीठ का यह फैसला लिया गया। रोजाना जो हुई है 6 अगस्त से, उसके बारे में बात करते हैं जो सुनवाई हुई है। तो पहले दिन की बात करें हम, तो पहले दिन 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। इस दिन सुनवाई में निर्मोही अखाड़ा ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अपना दावा किया था। उन्होंने कहा है कि पूरी विवादित भूमि पर 1934 से ही मुसलमानों को प्रवेश की मनाही है। फिर दूसरा दिन है हमारा 7 अगस्त, यानी कि दूसरे दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से सवाल किया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर अपना कब्जा साबित करने के लिए क्या उनके पास मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य हैं, या कुर्की से पहले राम जन्मभूमि के कब्जे का राजस्व रिकॉर्ड है। इस पर 5 सदस्यीय बेंच के समकक्ष अखाड़ा ने कहा कि साल 1982 में डकैती हुई थी जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड खो दिए। फिर हमारा तीसरा दिन है इस सुनवाई का। तीसरे दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा था कि एक देवता के जन्म स्थल को न्याय पाने का इच्छुक कैसा माना जाए जो इस केस में पक्षकार भी हो। इस पर वकील ने कहा था कि हिंदू धर्म में किसी स्थान को पवित्र मानने और पूजा करने के लिए मूर्तियों की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आता है चौथा दिन। चौथे दिन सुनवाई में कहा गया कि विवादित स्थल पर ढांचे को तोड़कर निर्माण किया गया। मस्जिद पहले से वहां नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जन्म स्थान पर विध्वंस और निर्माण हुआ है, यहाँ पर मस्जिद बनी। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब रामलला विराजमान के वकील सी एस वैद्यनाथन ने बताया कि 1945 में सिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी बोर्ड के खिलाफ जिला अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। फिर इस सुनवाई का 5वां दिन है हमारा। इस दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहस शुरू की क्या इस विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने रामलला विराजमान की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री एस वैद्यनाथन ने मस्जिद के निर्माण होने से पहले इस विवादित स्थल पर कोई मंदिर होने संबंधी सवाल पर बहस शुरू की। इस बहस के दौरान उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर था। फिर 6वां दिन है अपना, इस सुनवाई का 6वां दिन था। तो 6वें दिन रामलला विराजमान की ओर से वकील ने 6वें दिन कहा कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। इस बात पर हिंदुओं को विश्वास है।
साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय को इसके तर्कसंगत होने की जांच के लिए इसके आगे नहीं जाना चाहिए। वकील सी एस वैद्यनाथन ने आगे की दलील पेश करते हुए पीठ से कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और न्यायालय को इसके आगे जाकर यह नहीं देखना चाहिए कि यह कितना तार्किक है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम की जन्मस्थली अपने आप में देवता है और मुस्लिम 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति को बांटना ईश्वर को नष्ट करने और उनका भंजन करने के समान होगा। फिर बात करते हैं सातवें दिन की हम लोग। तो इस दिन रामलला विराजमान की ओर से दलील दी गई कि विवादित स्थल पर देवताओं की अनेक आकृतियां मिली। इस दिन अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने अपनी दलील के समर्थन में विवादित स्थल का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट के अंश पढ़े। फिर आठवें दिन की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने अदालत में कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में मगरमच्छ और कछुओं की एक ही आकृति का जिक्र है जिसका मुस्लिम संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करने के लिए हिंदू मंदिर गिराया गया। फिर नौवें दिन की बात करें तो नौवें दिन सुनवाई के दिन राम जन्म पुरोद्धार समिति के वकील पी एन मिश्रा ने कहा कि अथर्व वेद में अयोध्या की पवित्रता का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अयोध्या में एक मंदिर है जिसमें पूजा करने से मुक्ति मिलती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई ने कहा है कि अयोध्या की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है, आप विवादित स्थल के ही जन्म स्थान होने के साक्ष्य पेश करें। अब दसवां दिन आया, जो दसवें दिन की बात करें हम, सुनवाई के दसवें दिन निर्मोही अखाड़े ने अनंत काल से विवादित स्थल पर भगवान राम लला विराजमान का एकमात्र आधिकारिक सवेत लाल राम लाल लला का भक्त होने का दावा पेश करते हुए कहा कि वह वहां पर पूजा के लिए पुरोहित नियुक्त करता रहा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि जिस क्षण आप कहते हैं कि आप सवेत हैं, आपका संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं रह जाता है। फिर आप 11वें दिन की बात करें तो 11वें दिन जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्मोही अखाड़े की ओर से दलील रख रहे सुशील जैन को हिदायत दी गई कि अब वो लिमिटेशन के बजाय केस की मेरिट पर बात करें। सुशील जैन ने कोर्ट से कहा था कि वो विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा प्रबंधन और कब्जे का अधिकार मांग रहे हैं। फिर 12वें दिन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष निर्मोही अखाड़े ने अपना पक्ष रखा और इस बात पर अड़ा रहा कि पूरा विवादित हिस्सा उनका है, रामलला और उनके मित्र का इसमें कोई भी हक नहीं बनता। फिर 13वें दिन की बात करें हम, इस सुनवाई का 13वें दिन की सुनवाई में निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने कहा कि विवाद ढांचे में मुस्लिम ने 1934 के बाद से कभी नवाज नहीं पड़ी, ये मंदिर ही था जिसकी देख रेख निर्मोही अखाड़ा करता था। 14वें दिन की बात करें तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मैं श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वरिष्ठ वकील पी एन मिश्रा की ने दलील देते हुए इस बात का खंडन किया कि अयोध्या में विवादित मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। फिर 15वां दिन हमारा, सुप्रीम कोर्ट एक हिंदू संस्था की इस मांग को थोड़ी समस्या वाली बताया कि करीब 500 साल के बाद इस बात की न्यायिक तरीके से छानबीन की जाए क्या मुगल शासक बाबर ने अयोध्या में विवादित ढांचे को अल्लाह को समर्पित किया था ताकि इस्लाम के तहत वैध मस्जिद बन सके। अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की कि वह इस मामले में नहीं जाएगा,
क्या बाबा ने शरिया हदीस और अन्य इस्लामिक परंपराओं का पालन किए बिना मस्जिद का निर्माण कराया। इस सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट ने सिया वक्फ बोर्ड के वकीलों की दलील सुनी 16वें दिन। 16वें दिन अयोध्या मामले में सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने सिया बोर्ड के वकील को भी सुना। इस दौरान सिया बोर्ड ने कहा कि हमने इमाम को सुन्नी रखा, लेकिन मौत वली यानी संपत्ति की रक्षक हम ही हैं। सिया बोर्ड मुख्य मुकदमे में पार्टी नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने बोर्ड की वकील MC धींगरा से सवाल किया कि जब 1946 में उनकी अपील सिविल अदालत में खारिज हो गई थी तो उन्होंने अपील क्यों नहीं की। धींगरा ने कहा कि हम डरे हुए थे। सिया बोर्ड ने 2017 में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 17वें दिन की बात करें तो एडवोकेट राजीव धवन ने पीठ को बताया कि कानूनी मामलों में ऐतिहासिक बातों और तथ्यों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। सुन्नी वक्फ बोर्ड और वास्तविक याचिकाकर्ताओं में से एक MK सिद्दीक की ओर से पीएस धवन ने कहा है कि 1934 में आपने मस्जिद को तोड़ दिया हिंदुओं ने, और 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1952 में आपने मस्जिद को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तभी सभी तबाही के बाद आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ काम किया। अब आप कह रहे हैं कि हमारे अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। अब 18वें दिन की बात करें इस सुनवाई के, तो अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि विवाद की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के 18वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दलील की कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति छल से स्थापित की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष की दलील है कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन के कब्जे का अधिकार नहीं है, ना ही मुस्लिम पक्ष वहाँ नमाज अदा करते हैं। उनकी वजह यह है कि 1934 में निर्मोही अखाड़े ने अवैध कब्जा किया, हमें नमाज पढ़ने नहीं दी गई। 19वें दिन की बात करें इस मामले की, तो 19वें दिन मुस्लिम पक्षकारों ने दलील दी कि लगातार नमाज ना पढ़ने और मूर्तियां रख देने से मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह सही है कि विवादित ढांचे का बाहरी अहाता शुरू से ही निर्मोही अखाड़ा के कब्जे में रहा है। झगड़ा आंतरिक हिस्से को लेकर है जिस पर कब्जा किया गया, लेकिन अदालत में किए गए उनके दावों में यह नहीं है, हम प्रतिकूल कब्जा मांग रहे हैं। 20वें दिन की बात करें तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है, लेकिन अखाड़ा 1885 में वाहरी आंगन में था और राम चबूतरा वाहरी आंगन में ही है, जिसे राम जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है और मस्जिद को विवादित स्थल माना जाता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष धवन ने निर्मोही अखाड़े के गवाहों के दर्ज बयानों पर जिरह करते हुए महंत भास्कर दास के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने माना कि मूर्तियों को दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे के बीच गुम्बद के नीचे रखा गया था। अब दोनों पक्षों की दलील सुप्रीम कोर्ट में जारी। 21वें दिन की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों के समक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा है कि इस मामले में दिसंबर 1950 का मजिस्ट्रेट का आदेश गलत था। इस आदेश के बाद इससे ही हिंदू पक्ष अपना दावा जता रहा है। धवन ने कहा है कि स्थल उनके उनसे जुड़ा हुआ है हुआ नहीं है, वे उसके मालिक नहीं है, ये स्थल हमसे जुड़ा है और इस पर हमारा अधिकार है, मुस्लिम पक्ष ने कहा। 22वें दिन की बात करें तो 22वें दिन सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ के समक्ष धवन ने कहा है कि हिंदू पक्ष जबरन घुसकर कब्जा करने के बाद स्थल पर मालिकाना हक मांग रहा है। क्या गैरकानूनी कार्य के बाद प्रतिकूल कब्जे का फायदा लिया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 और 142 के तहत प्रतिकूल कब्जा
तभी होगा जब इसमें कब्जे का एनिमस इरादा और कॉर्पस वस्तु हो तथा ये दोनों संयुक्त रूप से मौजूद हों। इसमें संवेदना और तंगियों की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बात करते हैं 23वें दिन। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील जाफर याब जिलानी ने कहा कि साल 1885 में निर्मोही अखाड़े ने जब अदालत में याचिका दाखिल की तब उन्होंने अपनी याचिका में विवादित जमीन के पश्चिमी सीमा पर मस्जिद होने की बात की थी। 24वें दिन की बात करें, 24वें दिन तो अयोध्या मामले की सुनवाई के 24वें दिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा कि जन्म स्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। वहीं हिंदू पक्षकारों की ओर से आस्था और विश्वास के साथ साथ जन्म स्थान और जन्मभूमि को लेकर दलील की गई है दी गई है। 25वें दिन की बात करें तो 25वें दिन सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धमन ने अपनी दलील में कहा है कि किसी स्थान को न्यायिक व्यक्ति में बदलने के लिए पवित्रता को पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उसमें कैलाश पर्वत जैसी भौतिक अभिव्यक्ति और आस्था की निरंतरता के साथ यह भी दिखाया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से वही प्रार्थना की जाती थी। अब 26वें दिन की बात करें इस मामले की सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जुड़े पक्षकारों से 18 अक्टूबर तक अपनी जिरह पूरी करने को कहा। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बहस के लिए अगले हफ्ते तक का समय मांगा, जबकि निर्मोही अखाड़े ने को अपनी दलील रखने के लिए कितना समय चाहिए इस बारे में उन्होंने कोर्ट को जानकारी नहीं दी। रामलला पक्ष ने कहा है कि वह इस बारे में 2 दिन में अपना जवाब कोर्ट को दे देंगे। फिर 27वें दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में मुस्लिम पक्षकारों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धमन को आपत्तिजनक पत्र लिखने वाले 88 वर्षीय सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ बृहस्पतिवार को अवमानना का मामला बंद कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि इस वयोवृद्ध व्यक्ति को धमन को लिखे पत्र में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त कर दिया है। पीठ ने उसे आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की हरकत पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 28वें दिन सुनवाई की तो 28वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने नरमी बरती। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं है कि भगवान राम का सम्मान होना चाहिए। अब 29वें दिन की बात करें तो मुस्लिम पक्ष राजीव धमन ने 29वें दिन की सुनवाई में कहा है कि हिंदू पक्ष चाहता है कि राम जन्मभूमि भूमि पर मौजूद निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए, इसके बाद वहां मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। फिर 30वें दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 30वें दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धमन की दलील पेश की। उन्होंने कहा है कि केवल विश्वास के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि अयोध्या में राम मंदिर था। वकील ने एएसआई की रिपोर्ट को बताया महज विचार। 31वें दिन अयोध्या में खुदाई के बाद हिंदू मंदिरों के प्रमाण होने संबंधी पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर उच्चतम न्यायालय ने सुन्नी बोर्ड को फटकारा और कहा वह इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सवाल उठाने चाहिए थे तब उठाए नहीं, अब उन्हें अपीलीय अदालत में ऐसा नहीं करने दिया जा सकता। 5 जजों की पीठ ने कहा है कि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की वकील मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि एएसआई की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों पर सवाल उठाने का हक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट में वह दीवानी विक्रिया संहिता के आदेश 26 रूल 10(2) के तहत इस रिपोर्ट पर सवाल उठा सकते हैं। 32वें दिन की बात करें तो राम जन्मभूमि विवाद के मामले में 32वें दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर उठाए गए सवालों पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालत विशेषज्ञों के निष्कर्षों पर कोई राय नहीं रख सकती। मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नजीर की पीठ के समक्ष दलील दी कि विवादित ढांचे के नीचे एक ईदगाह हो सकती है। तो याद रखिए ये 5 लोग थे, रंजन गोगोई इसमें, एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नजीर इस पीठ में शामिल थे 5 लोग।
अब 33वें दिन की बात करें, 33वें दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील रखी गई। वकील ने एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उसे महज एक विचार बताते हुए कहा कि इसके आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। 34वें दिन की बात करें तो 34वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में मुस्लिम पक्षकार के वकील ने दलील दी कि 1885 के मुकदमे और अभी के मुकदमे एक जैसे ही हैं। 35वें दिन की बात करें, अयोध्या मामले में सुनवाई के 35वें दिन सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान की ओर से सी एस वैद्यनाथन ने प्रत्युत्तर में दलील शुरू की। उन्होंने पुरातत्व खोज में मिली दीवार नंबर 18 की मंदिर नहीं ईदगाह होने की मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी। अब 16 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई 36वें दिन मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति को नया तथ्य रखने से रोक दिया। पीठ ने कहा कि भरोसा रखिए, हम ऐसा फैसला देंगे जिसमें हमें देने की ज़रूरत है। 37वें दिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यदि मस्जिद के लिए बाबर द्वारा इमदाद देने की सबूत नहीं है तो सबूत राम मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है सिवाय कहानियों के। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि उस दौर में इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन सबूत मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है सिवाय कहानी होगी। 38वें दिन की बात करें तो अयोध्या मामले की सुनवाई के 38वें दिन मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। 39वें दिन की बात करें तो अयोध्या मामले की सुनवाई के 39वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई का आखिरी दिन होगा। और 40वें दिन की बात करें हम लोग तो उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि वह अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की भूमि विवाद संबंधी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में प्रत्येक दिन हो रही सुनवाई को बुधवार शाम को पूरी कर देगा। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि अब बहुत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक हिंदू पक्षकार की ओर से दलील दी गई कि सुन्नी वक्फ बोर्डों और अन्य मुस्लिम पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मुद्दे पर हिंदू पक्षकार की ओर से वकील सी एस वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि विवाद की विषय वस्तु मस्जिद का निर्माण शासन की जमीन पर हुकूमत द्वारा किया गया था, लेकिन यह वह पक्ष इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया। इस मामले पर निर्मोही अखाड़े ने अपने तर्क को देखते हुए कहा है कि 1885 से हम यहाँ पर कब्जे में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में भी हमारे अखाड़े का नाम है। इस जमीन पर 1885 में हमने संघर्ष करके उन्हें बाहर कर दिया था, इसके बाद से इसका कोई कब्जा नहीं रहा। वास्तविक रूप से मस्जिद को उपयोग करने और मुतवली का कोई सबूत उनके पास नहीं है। आज हिंदू महासभा के वकील ने कहा कि 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सरकार से कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया था। यदि नहीं, ऐसे में अक्टूबर 1860 में मस्जिद को ग्रांट देने का सवाल नहीं उठता। इस मामले में सुन्नी बोर्ड ने गलत बयानी की। आज तो मतलब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जमीन का मालिकाना हक दे दिया है। अब मंदिर के लिए सरकार ट्रस्ट बनाएगी। वह मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ कितना 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। जल्द ही इसके बारे में फैसला पड़ा जाने वाला है। यह मामला 70 साल से भी पुराना है। रंजन गोगोई 10 बजे फैसला देना शुरू कर देंगे। याद रखिए 16 अक्टूबर को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब इन फैसलों के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इसमें 5 एकड़ जमीन के लिए मस्जिद को दी जाएगी अयोध्या में ही। केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर मस्जिद बनाने के लिए जगह देगी। मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के लिए मिलेगी दूसरी जगह, मतलब उसी में अयोध्या में। विवादित जमीन के नहीं होंगे, टुकड़े नहीं होंगे। इस मामले में पहला फैसला यह आया कि सिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। सिया वक्फ बोर्ड ने यह याचिका दी थी कि यह मस्जिद एक सिया ने बनवाई थी, इसलिए यह ज़मीन उनकी है। इस बोर्ड से खारिज कर दिया गया और 1857 से पहले हिंदू पूजा के सबूत मिले हैं। मुस्लिम पक्ष नहीं रख पाया कोई सबूत इसमें, और निर्मोही अखाड़ा के पक्ष को भी इसमें खारिज कर दिया। तो याद रखिए, विवादित ज़मीन पूरी तरह से राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी गई है, और अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी। और केंद्र सरकार से अपील की है कि 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाए और फिर राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा राम मंदिर विवाद का पूरा मुद्दा, इसमें कब से शुरू हुआ और लास्ट में क्या फैसला है, सब कुछ